हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। और आज जो है लीगल ज्ञान की में जो है एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। चेहरे पे स्माइल इसलिए है क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है और ये जो है तमाम यूथ से जुड़ा हुआ है, तमाम यंग लड़के लड़कियों से जुड़ा हुआ है और लगातार ऐसे सवाल भी आया करते हैं मेरे पास। तो आज मुझे लगता है कि आप सबके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। टीनेजर्स हो या यंग एज हो, जो भी हो, जो किसी को पसंद करता है, प्यार करता है, इसको लेकर के ही इससे जुड़ा एक मामला है कि देखिए अभी अभी फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की और उसने ये कहा कि किसी का हाथ पकड़ के उसे इजहारे मोहब्बत करना, प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो इस बात को लेकर के तमाम जो साथी हैं इसके बारे में जानना भी चाहते थे कि क्या है ये पूरा मामला और कैसे है और साथ ही क्या है इसके कानूनी पहलू, क्या किसी का भी हम हाथ पकड़ के उसको प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो देखिए इसको लेकर के आज की जो है चर्चा जो है आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले ऑल दैट मैं ये कहूँगा कि अगर आप लाइट ऑफ लॉ के नए दर्शक हैं या पहले से जुड़े हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जानकारियाँ कुछ अच्छी ही आपको मिलेंगी और हमेशा इससे आपको फ़ायदा ही होगा और मोटिवेट भी मिलेंगे और क्या पता कब आपके लिए काम आ जाए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बात करते हैं, देखिए मामला मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, जहाँ पे एक आठ और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि लड़की जो है वहाँ पे टीनेजर थी, मतलब कि वयस्क नहीं थी। तो इसमें पोस्को वगैरह बहुत सारी सीरियस धाराएं भी लग सकती हैं, यौन उत्पीड़न की थोड़ी सी भी आशंका हो जाए। लेकिन मामला ये है कि एक ऑटो ड्राइवर के ऑटो में, अब नाम चूंकि हम नहीं बता सकते हैं, नाम है लेकिन नहीं बताना चाहिए, तो एक ऑटो ड्राइवर के ऑटो में एक लड़की जो है डेली अपने स्कूल आती थी और जाती थी, आती थी जाती थी, और इस बीच में ऑटो ड्राइवर जो है उसने दिल दे दिया, दिल दे बैठा बेचारे ने। और उसके बाद इसकी जब ऐसी फीलिंग्स जो हैं लड़कियों की, जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जब लड़की को ये समझ में आया कि इसके अंदर जो है मेरे लिए लाइकलीहुड आ गई है, तो लड़की ने उस ऑटो से जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जो है लड़का जो है लड़की को प्रपोज करने के लिए उसने उसको प्रपोज किया और लड़की ने शायद मना कर दिया, लेकिन इस बात की शिकायत लड़की के पिता और लड़की ने जो है थाने में कर दिया, छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया और लड़के की हो गई गिरफ्तारी। अब इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब सारे मामले को देखा तो उसने जो है उसमें देखिए अब यहाँ पे आती है मेंसरिया, एक चीज़ होती है इन, मतलब आपके अंदर मोटिव क्या है। मोटिव के बिना कोई भी अपराध अपराध नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको किसी के मारने की इंटेंशन नहीं, इंटेंशन मोटिव ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बिना इंटेंशन के अगर आप कुछ आपसे हो जाता है तो उसके एक्सीडेंट माना जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, तो ये मोटिव नहीं था, आपको उससे मारना नहीं था, लेकिन अब हो गई तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ना कि कोई अपराध है और उसमें सजा नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो खैर IPC की बातें हो गई। अब इस मामले में क्या होता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट कहती है कि हाथ पकड़ के, अब इसमें देखिए जस्टिस जो है जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि प्यार का इजहार करने के लिए हाथ पकड़ना यौन शोषण नहीं माना जाएगा, किसी की लाइकलीहुड को बताना जो है नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक यौन शोषण की मंशा ना हो तब तक छेड़छाड़ी का केस नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई सिर्फ प्रपोज कर रहा है, वो आपको गलत तरीके से छू नहीं रहा है, आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आपको खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप पे झपटने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपसे यौन शोषण करने की कोशिश, आपके साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो सिर्फ अगर वो आपको इजहारे इश्क कर रहा है तो वो जो है छेड़छाड़ नहीं माना जाएगा, ये कहा है अनवल कोर्ट ने। और साथ ही देखिए इसमें ये है कि नागपुर पीठ ने कहा कि लड़की का हाथ पकड़ के इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है, आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़कर अपनी पसंद व्यक्त की थी, ठीक है, आरोपी ने हाथ पकड़ा था और प्रपोज किया था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा है कि लगाए गए आरोपों को यह देखा जा सकता है कि किसी पहली नज़र में किसी भी यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी ने किसी यौन इरादे से लड़की का हाथ पकड़ा था। ऐसा लड़की भी नहीं कह रही कि उसने हमारे साथ, लड़की थोड़ी सी इस मामले में थोड़ा सा लड़के को बचा रही है, हालांकि अगर लड़की ने ये कह दिया होता कि वो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो लड़के का खेल ख़त्म था, लेकिन शायद प्यार का सम्मान है, लड़की ने यही कहा कि हमको हाथ पकड़ा था और हमारे साथ ये किया। तो लड़की के किसी भी तथ्य से ये साबित नहीं हो रहा है कि वो छेड़छाड़ करने वाला था। लड़की के बयान को भी देखा जाए तो यौन की मंशा का संकेत नहीं मिलता है। पहली नज़र में आरोपी को
गिरफ्तारी से संरक्षण पाने का हक है। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बेल इज नेसेसरी, जेल इज एक्सेप्शन होता है कोर्ट के नज़र में, कि मतलब अगर कोई आदमी अपराध किया है तो ये देखिए कि उसको जेल भेजना जरूरी है क्या। अगर जेल भेजना बहुत जरूरी है तभी आप उसको जेल में रखेंगे, कानून यही कहता है, नहीं तो आप उसको बेल पे देंगे। तो इस मामले में जो है ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इसको जेल पे भेज दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, बच्चे ने प्रपोज किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप भी किसी का हाथ पकड़िए और प्रपोज कर लीजिए, इसके तमाम अलग अलग डिफिनीशंस होती हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग माहौल है। अगर आप किसी को अकेले में कहीं किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, उससे उसको थ्रेट आता है, डरता है। अगर वो डर जाता है आपके इस एक्ट से तो वो एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट हो जाता है। ये चीज़ों का ख्याल रखिए। तो ये नहीं है कि अब आप भी किसी का हाथ पकड़िए और बस प्रपोज करना शुरू कीजिए और कहिए कि हमको कोई सज़ा दियोगे। ये जो है आप ऐसा ना करें, ऐसे बचें। प्रेम जो है पहले आँखों से समझें तो बेहतर है, ये मेरी सलाह है। लेकिन रेस्ट ऑफ मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये जान के कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और लेकिन एक चीज़ आप इसमें समझते जाइए कि इंटेंशन, आप हाथ, लड़के ने सिर्फ हाथ पकड़ के इजहारे किया और वो वहाँ से चला गया लड़की के ना सुनने के बाद, उसने कुछ ऐसा नहीं किया और बाद में वो हो सकता है फॉलो वगैरह करता हो जिसकी वजह से कंप्लेंट कर दिया गया। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, प्रेम को सिर्फ प्रेम ही समझा जाए, उसको आगे अपने सुख भोगने के नए रास्ते न तलाशे जाएं, तब जाकर के अनबल कोर्ट को लगता है कि नहीं सिर्फ प्रपोज करना किसी को, इजहार इश्क करना अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, अगर सिर्फ उतने तक रहे तो। लेकिन आजकल के आशिक जो हैं वो फॉलो करते हैं और किसी को स्टक करना, फॉलो करना स्टक की श्रेणी में आता है और वो अपराध है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसे और भी जानकारियाँ चाहिए तो मैं आप लोगों के बीच में अक्सर आता रहूँगा। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं, प्रणाम। वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे साथी, आप सबके तमाम सुझाव, तमाम चीज़ें, आप लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते थे, आप लोगों को कैरियर से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड बहुत सारी तमाम समस्याएं, और जिसके लिए आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें आपसे जुड़ने का कोई एक ऐसा माध्यम दीजिए जहां आपसे बात हो सके, आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाएं। तो फाइनली इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब आप लोग के स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है और आप वहाँ पर जा करके हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपनी बात जो है हम तक रख सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो है वेबसाइट रेडी हो गया, लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, लाइट ऑफ लॉ विथ एडवोकेट अमित, फॉर लीगल एडवाइस, अवेयरनेस, एजुकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहां पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आकर के आप सीधे अपने सवाल, अपनी बातें जो हैं मुझसे रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं आपकी समस्या ये है कि भाई तमाम तरह की चीज़ें आपके लाइफ में हैं, कैरियर से रिलेटेड है कि कैरियर में किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें। और एक बड़ी बात यह है कि कई बार कोर्ट केसेस के चक्कर में आप ऐसे उलझ जाते हैं कि आपको एक सही सलाह नहीं मिलता, कई बार आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका कोई मामला बनता ही नहीं था। तो बेहतर होता कि आप एक पहली सलाह ले लेते और वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है किसी न किसी कारण से एक अच्छे एडवाइस के बिना। या कई बार ऐसा होता है कि आप मुकदमे को इसलिए हार जाते हैं क्योंकि आपको अपने पॉइंट ठीक तरीके से पता नहीं होते हैं। तो आप जो है यहां हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे यहां ज्वाइन कर सकते हैं और हम यहां पे आपको जो है टोटल जितना भी होगा आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपसे जुड़ के आपकी बातें, आपके सुझाव हम ले लेंगे आप लोगों के बीच में, और आपके लिए लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से आप भी खुश होंगे। ये ज्वाइन का बटन आपको दबाना है और आपको सीधा मुझसे ज्वाइन हो जाना है। तो अब लाइट ऑफ लॉ, यानी कि मैं आप सबसे दूर नहीं हूं, एक वेबसाइट पे आपको बस ज्वाइन करना है और मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। लिंक्स आपको मिल जाएंगे और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप सबके लिए थैंक यू कि आप सब लोगों ने लगातार अप्रोच किया, और थैंक यू जिसने भी ये करने के लिए मुझे जो है प्रेरित किया, उन सबका धन्यवाद। आप जुड़ सकते हैं, प्रणाम।